गाइस, यू नो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम के साथ साथ खाना भी इंपॉर्टेंट है। पर अम्मी कहती है कि खाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम लंच स्किप करेंगे, क्योंकि अगर खाना हमारी सेहत के लिए हेल्दी है तो ओकेजनल फास्टिंग भी हमारे लिए हेल्दी है। गेट बैक टू वर्क। एक्सक्यूज मी सोनिया, आपने मुझे नाम क्यों नहीं बताया? सर, वो उन्होंने नाम बताने से मना किया था और कहा कि सिर्फ बोलो उनकी वाइफ आई है। ओके फाइन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करना और ये बात ऑफिस में सब लोगों को बता दीजिएगा। ओके सर। यो यू आर आपको पता है मैं कौन हूँ? यस मैम। और तब भी आप मुझे वेट करवा रही हैं? मैम, मैं नहीं, आपको सर वेट करवा रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस में है और उन्होंने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे वो आ जाएंगे ना बाहर कॉन्फ्रेंस से, तो वो आपको मिल लेंगे। फाइन, मैं वीआईपी लाउंज में वेट करती हूँ। मैम मैम, वहाँ का एसी खराब है। If you don't mind ना, इधर रिसेप्शन पर आप वेट कर लीजिए। क्या? यहाँ रिसेप्शन पे? वहाँ का एसी का काम चल रहा है ना मैम। फाइन। सब बहुत हो गया। काम डाउन। अगर शायरा होती तो वह सर और उसकी आंखें बीच में नहीं आती। तुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। यस मैम। एसी क्यों बंद है? मैम, एसी का काम चालू है ना, इस वजह से शायद ये एसी भी बंद हो गया। क्या मुसीबत। ये पानी क्यों नहीं आ रहा? ये कॉफी मशीन क्यों बंद है? हे एक्सक्यूज मी, ये सब बंद क्यों है? पता नहीं हमको। बॉस की बीवी ऑफिस आई है और किसी को बात तक करने की तमीज नहीं है। बाय 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 बाय। लकी लकी छुट्टी। यस
ये लोग कहाँ जा रहा है? ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है ना? मैम एसी काम नहीं कर रहे ना, इस वजह से इनको छुट्टी दे दी गई है। आप भी खाना यहाँ रख के आप चाहे तो चले जा सकती हो। जब कॉन्फ्रेंस खत्म होगा मैं आजान सर को खाना दे दूंगी। नो थैंक्स, मैं यही वेट करती हूँ। एज यू विश। जानता था कि आप मेरा फोन नहीं उठाएंगी। सॉरी आसान, हम आपके और नूर के बीच नहीं आ सकते। क्या? सो नूर मैम अभी भी यहाँ वेट कर रही है। कोई बात नहीं, आप वही कीजिए जो मैंने आपको करने को कहा है। ओके सर। शायरा बीबी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाना खा लीजिए। नहीं माशुका, हमें भूख नहीं है, आप प्लीज ये सब अंदर रखवा दीजिएगा। जी। अभी तक कॉल नहीं आया, मतलब वहां सब ठीक है। अल्लाह करे आजान और नूर के बीच की दूरियां कम हो जाए। मैम, मैम ऑफिस बंद करना है। शाम हो गई, अजान की मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। अजान कहाँ है? वो घर चले गए। चला गया? और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उन्होंने मना किया था। अजान के बच्चे, तेरी तो आपके लिए गाड़ी छोड़ के गए हैं। असान ये आप क्या कर रहे हैं? चैनो सुकून, वफा, हरमा, मोती, ये सारे खो गए। हम डरते थे जिन हादसों से, वो सारे के सारे हो गए। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें कैसे करें। तो हार के हम आशिक के पहलू में आकर सो गए। अजान हमारा हाथ छोड़िए। एक दिल ही तो है पा सकते, उसको कैसे तोड़ दें? आशिक के दामन को, इश्क के दामन को ये आशिक कैसे छोड़ दें? अजान हमें प्लीज छोड़िए। शायरा, आपका शौहर सुबह का गया हुआ थका हारा लौट आया, आपके लिए इतनी अच्छी रोमांटिक शायरी सुना रहा है, आप है कि ऐसे रिएक्ट कर रही है? नॉट फेयर। नूर कहाँ है? नूर वहां है जहां उसे होना चाहिए, और आप मेरे साथ चलिए। अजान कहाँ? साथ चलिए।
आज अजान के ऑफिस का पहला दिन है। अजान ने हमें फोन किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम बिरयानी बना रहे हैं। अब बिरयानी देने के बहाने से अजान के ऑफिस जा सकती है। मैं तैयार हूँ। मैम ऑफिस बंद करना है। अजान कहाँ है? वो घर चले गए थे। आपको पता है आज आपके साहबजादे ने मेरे साथ क्या किया? मैं उसके ऑफिस ये खाना लेके गई थी लेकिन उसने मुझे इंतजार करवाया, वो भी बिना एसी, बिना पानी, बिना कॉफी के। उससे भी उसका मन नहीं भरा ना, तो वो मुझे वहीं छोड़ के खुद घर आ गया। सोनिया ने हमें बताया था अजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था नूर, उनके बिहाफ में आई एम सॉरी। बस सिर्फ सॉरी? आप अपने लाडली से कुछ नहीं कहेंगी, उसे कुछ नहीं समझाएंगी? नूर हम मानते हैं कि अजान ने जो किया वो गलत था लेकिन ये आप दोनों के आपस का मामला है। अगर अजान ने ऐसा किया है तो आपको सोचना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया था, अजान के दिल को क्या तकलीफ पहुंचाई थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ये सलूक किया, वरना आप ही अच्छी तरह से जानती हैं हमारा बेटा किसी का दिल नहीं दुखाता, खासकर अपनों का। आप देख लीजिए आपने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा सलूक किया। हसान का कोई हक नहीं बनता मुझे अपने ऑफिस वालों के सामने इस तरह से बेइज्जत करने का। असान, आपको पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैं जानता हूं कि आपने भी नहीं खाया। असान, नूर अब तक घर नहीं लौटी है, हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आपको मेरे अलावा सबकी फिक्र है और आप जानती हैं कि मैं नूर से बात नहीं करना चाहता था, उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था, तो आपने उसको ऑफिस क्यों भेजा? ताकि आप तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें साथ में। असान, मेरे वक्त पे सिर्फ आपका हक है शहरा और किसी का नहीं। तक अपना हक नूर को देती रहेंगी? मैं जानता हूं मेरी शायरा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी दिल की भी सुन लेनी चाहिए सर। और अब मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाएं। अजान ये लेकिन आपकी गलती है, हमने नूर के हाथ से बिरयानी भिजवाई थी ना। शायरा आप फिर से नूर की बात करके ना मेरी भूख को मार रही हैं। Can we please not talk about her? ये लीजिए। हम खुद खा लेंगे अजान। अजान हमें समझ में नहीं आता है हम आपको समझाएं या फिर नूर को। नूर बचपना करती है तो आप बच्चे बन जाते हैं, क्या जरूरत थी आपको ऑफिस में भूखा रहने की? पता है सोनिया ने जब हमें बताया हम पे क्या गुजरी? बस इट्स ओके। स्टॉप इट अजान। नो यू स्टॉप इट सर, स्टॉप रेजिस्टिंग मी फॉर गॉड्स सेक। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते रहें।
लेट इट गो। अब खाना खा लेते हैं। जो हुक्म बेगम साहब। चलिए ये लीजिए, पहले आप खाइए। तो अब लड़कर जीतूंगी। मिसेस भाटिया, आज आपने हमें इतनी सुबह सुबह बुला लिया, कोई सीरियस केस है? जी बेगम साहिबा, केस बेहद संजीदा है। लेकिन हमें किसी ने केस फाइल नहीं भेजी है अभी तक। एक मिनट बेगम साहिबा। माफ कीजिए बेगम साहिबा, आज आप हेड ऑफ फोरम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। हम समझे नहीं, हम सालों से इस फोरम के जरिए औरतों के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते? बेगम साहिबा, दरअसल बात यह है कि अजान, शायरा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मी, हमें लगा कि आपको पता था। हमें फोन आया और मिसेस भाटिया ने कहा कि हम यहाँ पे आ जाएं। मिसेस भाटिया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैं बताती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेगम साहिबा, आज जिस औरत ने अपनी सास और अपने शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करी है, वो औरत आपकी बहू नूर है। और शिकायत आपके और आपके बेटे के खिलाफ है, इसीलिए आज इस फोरम की चेयरपर्सन आप नहीं हो सकते। नूर, ये कैसा बेखुदा मजाक है? ये मजाक नहीं है बेगम साहिबा, आपकी बहू नूर ने वाकई ही आपके खिलाफ और आपके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कैसी शिकायत बेगम साहिबा?
आपके बेटे की छोटी बेगम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसी नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत है। ये क्या तमाशा है नूर? बड़ी अम्मी हम सॉरी वो मैं सॉरी तुम क्यों बोलोगी बेटा? सॉरी ये लोग बोलेंगे उस जाति के लिए जो इन्होंने तुम्हारे साथ की है। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना तुम्हारा हक है, चाहे जुर्म करने वाला इस फोरम का चेयरपर्सन भी क्यों ना हो। तुम्हें जो बोलना है बेझिझक बोलो,